अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की वीडियो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीएस इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर, इसके ऊपर कोर्स सिलेक्शन, कोर्स एग्जामिशन, फीस शेड्यूल, हैंडआउट्स, वीडियो अटेंडेंस, इसके ऊपर हम सारी की सारी मालूमात आज आपको प्रोवाइड करते हैं। और उससे पहले, जैसे कि आपको हर दफ़ा ही कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो व्यू से रिलेटेड वीडियोज़ हैं ना, वो आप तक पहुंचती रहें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप इन वीडियो को देख कर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी वीडियो बनाने की जो मकसद है और जो एक मोटिव है, वो भी यही है कि आपको रहनुमाई फ्राहम की जाए। तो चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड के ऊपर कोर्स सिलेक्शन ये जो अनाउंसमेंट्स है वो चल रही है। यहाँ अगर आप देखें तो इसके ऊपर कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं यूनिवर्सिटी ने, वो आप लाजमी एक दफ़ा पढ़ लें। मैंने इसके ऊपर पहले भी दो वीडियोस बनाई हैं, तो आप लाजमी इस चीज़ को फॉलो कर लें। इसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, अगर स्टूडेंट को पता होंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल हैं, अगर नहीं पता होंगे तो फिर वो कल को ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, यूनिवर्सिटी ने चुप करके ऐसा कर दिया और हमारा नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें लाजमी जो भी यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड के ऊपर आती हैं, इसको पढ़ा करें और इसको अंडरस्टैंड कर लिया करें। इसके ऊपर मज़ीद मैं एक अलग से भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अलग अलग उसकी ना वजाहत करना ज़रूरी है। तो चलें, आज के हम अपने वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। जैसा कि टॉपिक्स हैं हमारे कुछ कोर्स सिलेक्शन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक LMS ओपन कर लेते हैं। LMS में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोर्स सिलेक्शन, सबसे पहले मैं इसमें से जो बीच में एक पॉइंट है वो आपको क्लियर कर दूं। कोर्स एग्जेम्पशन, कोर्स एग्जेम्पशन क्या होती है? जब आप पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा BS फिफ्थ सेमेस्टर, तो ये कोर्स एग्जेम्पशन क्या होती है? कोर्स एग्जेम्पशन का मतलब है कि आपको BA BSc की डिग्री की बेस के ऊपर जो आपको यूनिवर्सिटी ने कोर्स एग्जेम्प्ट किए हैं, यानी कि आपकी जो स्टडी स्कीम है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टडी स्कीम है, स्टडी स्कीम आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 और बिल्कुल एट द एंड तक 8 सेमेस्टर आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। तो होता क्या है कि अब अगर इसको क्लियर करना है कि एग्जेम्पशन क्या हुई, एग्जेम्पशन का मतलब है वो आपको उन्होंने पेंडिंग में से वो निकाल दिए। तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट के सामने पेंडिंग है और कुछ के सामने एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें बिल्कुल राइट साइड पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं जो ग्रीन किए हुए हैं और सामने उसका एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है। अब इस एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि आपको एग्जेम्पशन मिल चुकी है, ठीक है। आपने इस चीज़ के ऊपर नहीं रहना कि फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर का मतलब यही है कि BA BSc के बाद एग्जेम्पशन मिलनी है और आपने आगे जो पेंडिंग सब्जेक्ट हैं आपकी डिग्री में, जो VU में आने के बाद आप डिग्री कर रहे हैं, उस स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर जाके आप चेक कर लें कि जो पेंडिंग सब्जेक्ट हैं वो आपको VU में सारे के सारे पढ़ने हैं। और जैसा कि अभी आप यहाँ देखें तो पहले सेमेस्टर में से उन्होंने 4 सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, 2 पढ़ने हैं और तीसरा जो VU 0001 है, ये मैं आपको एक अलग से एक दफ़ा बता दूंगा इसका क्या करना। और इस तरह अगर हम सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएँ तो उसमें भी 4 एग्जेम्प्ट हैं, अगर फोर्थ में जाएँ, थर्ड में जाएँ तो वहाँ पर भी 4 एग्जेम्प्ट हैं। मतलब ये ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं BA BSc बेस के ऊपर, जो एग्जामेशन मिली है, जो पेंडिंग है वो आपने पढ़ने हैं। और इस तरह अगर हम जाएं सेमेस्टर 4 में तो उसमें से 3 सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड हैं, पांचवें में कोई भी नहीं है और छठे में जाके फिर 2 हैं और सातवें में कोई नहीं है, आठवें में कोई नहीं है। अब जो पेंडिंग है आपने इसका हिसाब लगा लेना, ठीक है, और आपको पढ़ना। इससे ये भी कन्फर्म हो जाता है कि आपने जिस बेस पे अप्लाई किया था कोर्स एग्जामेशन की बेस के ऊपर, BA BSc के ऊपर, कि हमें पाँचवें सेमेस्टर में दाखिला दिया जाए, वो यहाँ से आप इस तरह कन्फर्म कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं माई स्टडी स्कीम खुली हुई है और वहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, इसका मतलब है कि BA BSc का जो फॉर्म था आपका वो एक्सेप्ट हो चुका है और एग्जेम्प्शन मिल चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि कितने क्रेडिट आवर एग्जेम्प्टेड हुए हैं। एक बुक के जो होते हैं वो 3 क्रेडिट आवर होते हैं और जो पेंडिंग है वो भी 3-3, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3-3 क्रेडिट आवर। तो अब देख लेते हैं कि जो कितने पेंडिंग है, उसके लिए हम जाते हैं ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक में यहाँ देखें तो हमारे 49 जो है ना स्टूडेंट के एग्जेम्प्टेड हैं और टोटल कितने हैं 134। अब अगर इसमें से ये माइनस
माइनस कर लिए जाएं तो आपको पेंडिंग क्रेडिट हावर नजर आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। कैलकुलेटर हम अब ओपन कर लेते हैं और उसके बाद 134 में से ये 49 निकाल लेते हैं। 134 माइनस एग्जेम्प्टेड कितने हुए हैं, 49 के ये वाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको अगर माइनस करें तो जवाब क्या आता है, 85 क्रेडिट आवर। यानी कि अब अगर हम देखें कि 85 क्रेडिट आवर की बुक्स कितनी बनती हैं, तो उसके लिए हम तकसीम कर देते हैं इसको तीन के ऊपर, क्योंकि एक बुक के तीन क्रेडिट आवर हो, इक्वल किया तो ये तकरीबन 28 बुक्स बनती हैं जो आपको पढ़नी है आगे वीयू में पढ़ते हुए। अब 28 बुक अगर आप लेते हैं हर सेमेस्टर में सात सात बुक, जैसा कि आपको अलाउ है कि आप एक सेमेस्टर में सात भी ले सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप उसको कितने लेते हैं। अगर हम इसको 28 बुक को सिंपल है, 28 बुक हैं, इसको आप तकसीम करें सेवन से, जैसे अगर सात किताबें ले ली हैं, चार सेमेस्टर आपके लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें से आपका कोई सब्जेक्ट फेल होता है वीयू में पढ़ते हुए, या आप छः लेते हैं, तो फिर ये पाँच सेमेस्टर में आपकी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। ये चीज़ें इस तरह है, ये आपने खुद से कैलकुलेट कर लेनी है। मैंने आपको कोशिश की है समझाने की और उम्मीद है कि ये कोशिश कामयाब रहेगी। तो अब यहाँ पे जो क्रेडिट अर्न है ना, ये आएंगे जब आप वीयू में इन पेंडिंग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग सब्जेक्ट हैं वीयू के, वो जब आप पढ़ते जाएंगे तो वो यहाँ पे अर्न क्रेडिट आवर में जमा होते जाएंगे, और फिर आप देखते जाएं कि ये वाले मिला के जब आपके इतने होते जाएंगे तो आपकी डिग्री कम्प्लीट हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है, मैंने कैलकुलेशन आपको करके बताई है कि आप इसको चार में कंप्लीट करते हैं या पांच में कंप्लीट करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़े थोड़े सब्जेक्ट रखें, यानी छः रख लें आप, इसको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा के, ये एक सजेशन है, लेकिन मर्जी आपने अपनी कर, तो पांच सेमेस्टर में आराम के साथ आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो अब आ जाएं अगले टॉपिक के ऊपर कि एक तो मैंने आपको बता दिया कोर्स एग्जामिनेशन का, क्लियर कर दिया कि ये पाँचवा सेमेस्टर क्या होता है, कोर्स एग्जामिनेशन क्या होती है। अब आ जाएं कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। तो कोर्स सिलेक्शन के लिए हम बिल्कुल राइट लेफ्ट साइड के ऊपर अगर जाएं तो हमारे यहाँ स्टूडेंट, ये जो है ना इस बुक LMS की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये उसकी मेन्यूज, ठीक है। तो इन जितने भी ऑप्शन है उसके अंदर बहुत सारे मजीद ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कोर्स सिलेक्शन में हम जाते हैं जी। कोर्स सिलेक्शन वो कहता है कि यहाँ पे जो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, करंट सेमेस्टर नंबर वन। तो स्टूडेंट ये समझता है कि हमारा सेमेस्टर वन क्यों है, जबकि हमने तो पांचवें सेमेस्टर में एडमिशन लिया। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपके सामने कि ये वीयू अपने सेमेस्टर काउंट कर रहा है कि यहाँ पे आपने कौन सा सेमेस्टर स्टार्ट किया। तो यहाँ पे तो आपका पहला सेमेस्टर है, वीयू में तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए वन ही लिखा जाएगा। तो पीछे जो एग्जेम्पशन है वो आपको यहाँ पे माई स्टडी स्कीम मैंने आपको दिखा दी है, और जो पेंडिंग है आपके सामने नज़र भी आ रहे हुए हैं। तो वीयू में पढ़ते हुए आप पहला सेमेस्टर लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, तीसरा लगा रहे हैं, चौथा लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके सेमेस्टर काउंट होते जाएंगे वो यहाँ पे होता जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये आपका वीयू में आपकी डिग्री जो स्टार्ट से स्टार्ट हो गई है ना, ये BS 4 साल हो गया, ऐसा नहीं है। वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, एग्जेम्प्टेड है आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें इस सेमेस्टर में है मैक्सिमम क्रेडिट आवर 21 और एक बुक के तीन क्रेडिट आवर, तो सात आप रख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है वी यूज 001, ये जस्ट इसकी वीडियोस देखें। तो अगर हम इसको इस दफा ना भी लें तो ये मेरा ख्याल है प्रीलिस्ट सिलेक्टेड है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये लाजमी लेना पड़ेगा। इसके साथ हम अब क्रेडिट आवर का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि ये अगर ना होता तो फिर हम 21 पूरे कर लेते, अब हमने 6 मजीद रखने हैं, यानी 6 या 18 और 1 19 हो जाएंगे। सातवां हम नहीं रख सकेंगे क्योंकि फिर ये क्रेडिट आवर हो जाते हैं हमारे 22 नहीं रख सकते, 21 है। इसमें वीयू 001 इंतहाई लाजमी होता है ताकि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम अच्छी तरह समझ आ जाए, और इसमें सारी चीजें भी बताई जाती हैं बहुत सारी। तो एक ये हो गया, दो हो गया, साथ इस तरह करते जाएंगे, और बिल्कुल सीक्वेंस से करना है। आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इसको हम कर लेते हैं 7। तो ये 7 में से 6 ऐसे हैं जिसके क्रेडिट आवर 3 है, यानी जिनके टोटल 18 क्रेडिट आवर बन रहे हैं, और इसमें से एक है क्रेडिट आवर, तो एक 19 क्रेडिट आवर हम इस दफा चूज कर रहे हैं, और नीचे जाके हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद लोअर सिलेक्टेड कोर्सेज करना है, और जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो सब्जेक्ट आ चुके होंगे। अब अगर मैं वापस जाऊँ, 7 रखने की कोशिश करता हूँ वीयू 001 के अलावा मजीद 7 कोर्स सिलेक्शन, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मजीद हम ऐड करते हैं चौथे सेमेस्टर में से एक जो है हमारा 3 क्रेडिट आवर का, तो देख लेते हैं मैसेज क्या आता है। अब हमारे क्रेडिट आवर कितने बन रहे हैं, 7 किताबें हैं, 21 क्रेडिट आवर और एक ये 001 वाला,
स्क्वायर्ड हावर, तो वो कहते हैं कि यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 21। तो इस सेमेस्टर में आपको 6 किताबें मैक्सिमम और प्लस 001 आपने पढ़ना है। ठीक हो गया जी, ये समझ आ गई होगी आपको। 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अब। और 18 ये हो गए और प्लस ये एक 19, 19 क्रेडिट आवर के साथ तो आप चलेंगे। सेव कर देते हैं, लोड कर देते हैं और ये आपके अब आ गए हैं सारे जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। ये मतलब इसलिए हैं कि ये जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस दिन से ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब चीज देख लेते हैं अगली मैंने कोर्स सिलेक्शन हो गया, कोर्स एग्जामिनेशन हो गया, फीस शेड्यूल मैं बता दूं आपको। यहाँ पे अगर हम देखें स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट हैं। इसको काउंट नहीं करना, ये सब्जेक्ट नहीं, ये एक एडिटोरियल है या ट्यूटोरियल कह सकते हैं इसको, ये ट्रेनिंग के लिए है स्टूडेंट की। उन्होंने इसकी फीस नहीं होती, लेकिन इसको आपने देखना लाजमी है और पास करना भी हमें होता है। इसके पेपर वगैरह नहीं होते, ये वीडियोस के अंदर होते हैं जो कम्प्लीट करने। आपकी स्क्रीन के ऊपर है 6 सब्जेक्ट, फीस का मैं आपको बता दूँ कि कितनी आनी है। फीस के लिए मैं आपको बता दूँ कि एक सब्जेक्ट ही होती है 2550, ये हमने रखे हैं 6, 6, तो कितनी बनेगी 15,300। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ये याद रखें, जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका वीयू में पांचवें सेमेस्टर में, उसमें अगर आप 6 रखते हैं तो 5 की फीस आती है, यानी कि अब इसमें से हम एक 2550 माइनस कर लेते, फीस कितनी आएगी 12,750 रुपये आपकी ट्यूशन फीस आएगी, जितने मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट रखे हैं, यानी 6 सब्जेक्ट की फीस 12,750। इसकी वजह यह है कि जो मैंने माइनस किया है, बल्कि मैं इसमें से माइनस मजीद करता हूँ एक, तो फीस कितनी बननी है 11,650 फीस बननी है। इसमें से दो चीज़ें मैंने माइनस की हैं, एक तो मैंने माइनस की है 2550 और एक 1100, ये दोनों ही चीज़ें आपके जो दाखिला फीस का वोचर है उसमें शामिल थी अभी अभी जो आपने पे किया है, तो लिहाजा ये दोबारा नहीं आएंगी, ये अगले सेमेस्टर में फिर और हिसाब किताब बनेगा। तो पहले सेमेस्टर में 11,650 रुपये फीस 6 सब्जेक्ट की, और फिर प्लस करते जाएंगे, इसमें 1,000 एंडोमेंट फंड आता है और प्लस इसमें 500 का एक सोसाइटी फंड आता है, तो टोटल फीस 6 सब्जेक्ट की BS इंग्लिश की 13,150 होगी, जो 5 किस्तों में आपको जमा करानी होगी, या जो भी शेड्यूल आता है वीयू का उसके हिसाब से आपको जमा करानी होती है। तो फीस का भी क्लियर हो गया आपको। और अब अगला जो टॉपिक है हमारा, हैंडआउट्स, वीडियोस, अटेंडेंस, ये तीन चीज़ें हैं जिनसे आपने तैयारी करनी है, ये इंपॉर्टेंट हैं। अब जब जो हैंडआउट्स हैं वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे ही ये एक्टिव होते हैं ये सिस्टम, अभी तो डेम है, तो इसको खोल के इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट वीयू कानपुर, इसके ऊपर भी आपको हैंडआउट सभी के सभी मिल जाएंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जैसे ही वेबसाइट खोली उसके ऊपर जाके बुक शॉप के अंदर हैंडआउट, ठीक है, ये यहां से हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है, चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो बाकी रहेगी वीडियोस लेक्चर, तो जैसे ही वीडियोस ओपन होंगे तो ये जैसे यहाँ पे, जैसे मेरा भी कर्सर है यहाँ पे CS101 के ऊपर, जब आप इनको क्लिक करेंगे तो वो वीडियो इसके अंदर होंगे और वो प्ले होना शुरू हो जाते हैं। और ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब अटेंडेंस क्या होती है वीयू में, जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस क्या है कि आपके जो वीडियो है ना वो काउंट होते हैं जब आप उसको प्ले करते हैं यहाँ पे LMS के अंदर। याद रखें, आपने यूट्यूब के अंदर अगर आप जाके वीडियोस देखते हैं तो वो अटेंडेंस काउंट नहीं होते, आपने यहाँ पे इस LMS के अंदर वीडियो देख रहे हैं, इसका सिस्टम LMS का उसको काउंट कर लेता है और वो बता देता है कि आपने इस वीक के लेक्चर जितने भी हैं, शेड्यूल बनाया जाता है, वो आपने देख लिए हैं, और यही इसकी अटेंडेंस होती है। और अगर आप उसको नहीं देखते तो इसके अलावा देखते नहीं हैं या कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर ओपन नहीं होता, और जो असाइनमेंट क्विज होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं, यानी कंडीशन होती है कि आप लेक्चर शेड्यूल कंप्लीट करेंगे तो फिर आप उसको कर सकते हैं, अगर आप वीडियोस को कंप्लीट नहीं करते तो फिर इसकी डेट गुजर जाएगी, क्विज की गुजर जाएगी और वो आपके नंबर वेस्ट होंगे। ये तो खैर जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह एक मजीद वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो बाकी स्टूडेंट को मेरी ये है गुजारिश के वो सारा LMS अच्छी तरह चेक करें और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखें। अटेंडेंस वगैरह जब आएगी तो वो आप यहाँ प्रोग्रेस में इसको देख सकेंगे, अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट के नाम हैं और यहाँ पे कुछ भी नीचे एक्टिविटी फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी क्लासेस ही स्टार्ट नहीं हुई, तो जैसे 16 को क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर यहाँ पे आप उसको डाटा देख सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी BS इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर को। और बाकी
मिलते जुलते अगर कोई और है 5वें सेमेस्टर में तो सेम इस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका मकसद मैं आपको कल बताऊंगा, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। बाकी इसके मैं कोशिश करूँगा, हर दफ़ा जब वीडियो शुरू होती है तो आपको एक सर्टिफिकेट बता दूँ। मेरा इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि कम से कम भी मैं इस चैनल से जो भी इनकम होगी वो मैंने 50% अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करनी है। जो भी ज़रूरतमंद मुझे नज़र आएंगे आसपास उनकी हेल्प इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत कमा रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है, तो ज़रूरी है कि ज़िंदगी में लोगों के भी काम आया जाए और लोगों की भी हेल्प की जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।